हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू बीइंग। सो गाइस, आज मुझे लगता है कि हम ना काफी दिनों बाद ऐसे व्लॉग में मिल रहे हैं। सो आज मैं जा रही हूँ अपनी सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, जो कि रहती हैं डिबाई में। और वो काफी टाइम से हम लोगों को बुला रही थी कि आ जाओ वीकेंड्स में, बट हम लोगों के पास टाइम ही नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ टास्क अमित को आ जाता था या फिर फेस्टिवल्स वगैरह चल रहे थे, तो हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। बट आज हम सरप्राइजिंगली वहाँ जाने वाले हैं। उनको पता नहीं कि हम लोग आ रहे हैं। और आज है सैटरडे, संडे में इनका ऑफ ही रहता है, तो लकीली अब उनके पास थोड़ा सा टाइम है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर से। सैटरडे का इवनिंग का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं। एंड थोड़ा सा आगे आए थे, बट अमित को याद आया कि मैं अपना ऑफिस का लैपटॉप बैग तो भूल ही आया हूँ, वो जो कि हमारे साथ हमेशा चलता है, चाहे संडे हो या मंडे। सो अभी वो वापस गाड़ी को साइड में लगा के गए हैं अपना लैपटॉप बैग लेने। एंड काफी दिनों बाद हम लोग जा पा रहे हैं, सो लेट्स जस्ट सी उनके रिएक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं डिबाई में और ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। सो अमित, कैसे सरप्राइज करने वाले हो, क्या रिएक्शन होगा? दीदी का पिटाई ना लगा दे तुम्हारी। कुछ मारनी हो कुछ। बॉक्सिंग होने वाली है आज अमित के साथ, उन्होंने कहा था तो बिना बताए आया ना, तब मैं तुझे बताऊंगी। सो अभी चल के देखते हैं। एंड मौसम ना बहुत ही प्यारा हो रहा है। गाड़ी में थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, पहले चलाया एसी, फिर मैंने खोली विंडो कि थोड़ा सा नेचुरल हवा का मजा लेते हैं। सरप्राइज का रिजल्ट है ये, झूठ बोल के आने का। वाह, इतनी ठंड में कौन रेडी है बाहर सोने के लिए? इसमें पीला सा निकालो पका हुआ, ये कच्चा है अमित, पका हुआ पका हुआ। पीला सा इनको ये बहुत अच्छे से आता है काटने का काम। बहुत काटा है इन्होंने। सो गाइज, रात को हमारी तिकड़ी निकल गई थी डिबाई की मार्केट को एक्सप्लोर करने, और थोड़ा सा ड्राइव भी हो गई थी हमारी बाइक पर। सो गाइज, सबसे पहले हम पहुंच गए थे डिबाई के फेमस गोलगप्पे, जो कि थे सीताराम के गोलगप्पे, वो खाने के लिए। एंड मार्केट में रात को काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी चहल पहल एंड रोशनी हो रही थी, क्योंकि उस टाइम तक मार्केट का बंद होने का टाइम होने ही वाला था। सो हमने जल्दी जल्दी से गोलगप्पे वहाँ पर खाए, और उसके बाद हम निकल गए थे कुछ शॉप करने, क्योंकि वहाँ पर आपको पता भी होगा कि काफ़ी सारी थोक की दुकानें हैं। सो वहाँ से हमें कुछ सामान वगैरह भी लेना था। एंड यहाँ पर ये देखो दोनों कैसे अपने अपने गोलगप्पे इंजॉय कर रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, पानी बहुत ही अच्छा था उसका। और उसके बाद हमने ट्राई किया था उसका चीला, जो कि मुझे ठीक ठीक लगा, बट हाँ गोलगप्पे की तो मैं फ़ैन हो गई सच में, बहुत ही अच्छा पानी था। एंड फिर ये सब खाने के बाद हम निकल गए थे फटाफट से अपने लड्डू गोपाल, अपने माधव की ड्रेस लेने के लिए। सो वहाँ से अब मैंने ठंडों की कुछ ड्रेसेस ख़रीद ली थी, और भी उनके बिस्तर एंड चादर वगैरह सारा सामान, नाइट सूट भी ख़रीदा है मैंने, मैं दिखाऊंगी आपको। फिर हम आगे बढ़े तो अमित ने खिलाए मुझे यहाँ के दही आलू, वो बोल रहे थे कि वो बहुत टाइम से खा रहे हैं, काफ़ी टेस्टी बनाते हैं, अपना बचपन याद आ गया ये खाने के बाद। सो हाँ, मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे। एंड फटाफट से ठंड हो रही थी तो हम वापस आ गए घर। बर्फ आपके हाथ में किसने लगाई? हम पे तरस नहीं आता, छोड़ दो मेरे पीछे, बर्फ भाई बंद करवा रहे हो, हमारी गिलास उठवाते हो, हम पे तरस नहीं आता भाई। बर्तन साफ करना ज्यादा टफ टास्क है, राधा बहन की तुम गिलास पानी दो। हां अच्छी बात, होए थे हम तो हर टाइम की 10 साल से बहुत ज्यादा थे उस दिन ही, हालत है बच्चे।
कुछ लोग और दीदी की तबीयत भी खराब थी उस दिन से आपको खाने का नहीं था खाना भी खराब सही बात फिर शाम के टाइम हम चले गए थे थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पर और सोचा लौटते टाइम कुछ स्नैक्स भी खाते हुए आएंगे जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना सब आ रहे हो ना मेरे माये जिन्ना सोना ना कोई तुम ड्राइविंग पे ध्यान दो मैं इतना काम खराब हो जाएगा एंड गाइज फिर हम निकल लिए थे अलीगढ़ के लिए वापस बाय बाय।